नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल दुर्घटना पर दुनिया के तमाम दिग्गज नेताओं ने दुख जताया है, जिसमें रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड से लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान, चीन ने भी दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है और भारत के साथ खड़े होने की बात कही है। ओडिशा के बालासोर में हुए तीन ट्रेन हादसे के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है, जहां अब तक 280 लोगों के मौत की पुष्टि हो गई है और करीब 900 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं दुर्घटना स्थल पर जायजा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूरे मामले पर अपडेट लिया। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ओडिशा रेल हादसे के पीड़ितों के लिए सभी सांसदों से अपील की, कहा अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा करे दान। उधर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची बालासोर, बोली दुर्घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं ओडिशा के सीएम ने कल रात ही घटनास्थल का जायजा लिया था। देश के सबसे बड़े रेल हादसे में घायल हुए सैकड़ों लोगों के इलाज के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने भेजा डॉक्टरों की टीम, तो बिहार में आरजेडी ने उठाया रेलवे कवच पर सवाल, रेल मंत्री से मांगा इस्तीफा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ओडिशा में हुए भीषण ट्रेन हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह दुखी और व्यथित हैं, साथ ही उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, इससे हमारा और हमारी टीम का हौसला बढ़ता है और हम देश और दुनिया की तमाम खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। ICICI बैंक ने अपनी ब्याज दरों में कटौती की है, जिसका असर आपके लोन और EMI पर सीधा पड़ेगा, जहां नए रेट के बाद अब एक महीने में MCLR को 8.50% से घटाकर 8.35% कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पाकिस्तान के प्रथम PM जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताकर BJP को बड़ा मुद्दा दे दिया है। भाजपा राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की सलाह दे रही है और राहुल एवं कांग्रेस नेता को भारत के टुकड़े करने वाले का समर्थक बता रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने PMO में सहायक आयुक्त के रूप में काम करने वाले एक फर्जी शख्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि शख्स खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताकर निर्दोष लोगों से ठगी करता था। यूपी सरकार ने 5 IPS अधिकारियों का किया तबादला, इसमें विशेष सचिव गृह से लेकर कई जिले के जिलाधिकारियों को किया गया इधर से उधर। 2024 से पहले बिहार में कांग्रेस ने खेला बड़ा दाव, शकील अहमद को बनाया विधायक दल का नेता। अब तक यह पद भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के पास था। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया घर पहुंचकर भी पत्नी से नहीं मिल सके, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही तबीयत बिगड़ने के चलते सीमा सिसोदिया को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लुधियाना शहर के फिरोजपुर रोड पर निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड के पिलर से टकराई सरकारी बस। इस हादसे में बस का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जिस वक्त ये घटना घटी, उस वक्त बस में 50 लोग सवार थे। गनीमत यह है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दुर्घटना में एलिवेटेड रोड के पिलर को काफी नुकसान पहुँचा है। हरियाणा में सरकारी विश्वविद्यालयों को अब अपने बूते बजट की व्यवस्था करनी होगी। प्रदेश सरकार धीरे धीरे फंड में कटौती करने जा रही है। सभी स्टेट यूनिवर्सिटी को आगामी 5 वर्ष का रोड मैप तैयार कर सरकारी फंड पर निर्भरता घटाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओडिशा में हुए भीषण ट्रेन हादसे में लोगों की जान जाने पर दुख व्यक्त किया और हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ओडिशा ट्रेन हादसे में मजदूरी करने जा रहे झारखंड के 3 युवक हुए घायल, CM हेमंत सोरेन से लगाई मदद की गुहार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के कुम्हारी में 174,45,00,000 रुपए से ज्यादा की लागत के 19 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 45,44,66,000 रुपए के 10 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन शामिल है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश में चल रही कायासबाजी पर राज्यसभा सदस्य और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने यह कहकर विराम लगा दिया कि राज्य का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ संयुक्त संघर्ष समिति ने 6 दिन से चल रही पेंडाउन स्ट्राइक शनिवार को स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि भविष्य में जो भी मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति होगी उसमें एनपीए को यथावत रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि एनपीए को बंद नहीं किया गया है बल्कि कुछ समय के लिए रोका गया है, जैसे ही नई नियुक्तियां होगी इसे फिर से लागू कर दिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा अगले महीने से शुरू होने वाली है। इससे पहले आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस साल की प्रथम पूजा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूजा में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के कई अधिकारी भी शामिल हुए थे। उपराज्यपाल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि देश विदेश से जो भी श्रद्धालु अमरनाथ आए वे अपने साथ एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत का नाम सुनते ही जमीन पर थूका। सांसद संजय राउत की इस हरकत से महाराष्ट्र में शुरू हुआ घमासान, वहीं एकनाथ शिंदे गुट ने संजय राउत के इस हरकत पर माफी की मांग। ओडिशा हादसे के बाद मुंबई गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन टला। पीएम मोदी के सूरत दौरे पर भी है सस्पेंस। बता दें कि प्रधानमंत्री 5 जून को गुजरात के अंतरौली में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन और बुलेट ट्रेन परियोजना के कामकाज का निरीक्षण करने के कार्यक्रम में जाने वाले थे। भारत निर्वाचन आयोग के एक आदेश को सोशल मीडिया में भ्रामक तरीके से पेश किया जा रहा है। इस आदेश में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर गलत जानकारी बताई जा रही है, जहां निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदेश में जो 14 जनवरी 2024 की तारीख का जिक्र किया गया है वो तारीख राजस्थान में चुनाव तारीख नहीं है, बल्कि आदेश में 14 जनवरी 2024 विधानसभा के कार्यकाल की अवधि लिखा है। मेथी में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके दाने, पत्ते और पाउडर का उपयोग खाने में कई तरीके से किया जाता है। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीज, विटामिन सी, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपको कई बीमारियों से बचाते हैं। साथ ही मेथी डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर रक्त में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उन्हें अपनी डाइट में मेथी जरूर शामिल करनी चाहिए। 10वीं पास के लिए झारखंड में सरकारी नौकरी निकली है, जहां 18 से 25 साल की उम्र वाले इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े खुशी की बात है कि आप में से अधिकतर लोगों ने वीडियो को लाइक किया है और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, और बहुत सारे लोगों ने वीडियो को शेयर भी किया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।